माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 प्रारंभ किया है। उसी तारतम्य में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग मोटे अनाज का उत्सव मनाने के लिए कार्य सौंपा गया। आज हम जबलपुर में है डॉक्टर देश पांडे जी के सामने, डॉक्टर माधुरी देश पांडे जी। वे स्वयं डॉक्टर है, लोगों की स्वास्थ्य की भी चिंता करती है, इसीलिए उन्होंने मिलेट्स से, मोटे अनाज से विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाल कर लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न रहे, खुशहाली का जीवन व्यतीत करें, ऐसे काम कर रहे डॉक्टर माधुरी देश पांडे दीदी से आप लोगों को मिलवा रही हूँ। मैं दीदी से निवेदन करती हूँ अपने अनुभव हम सब लोगों को बताने की कृपा करें। नमस्कार, मैं मिसेस माधुरी देश पांडे पिछले 20 सालों से जबलपुर में एज एन कंसल्टिंग डाइटिशियन काम कर रही हूँ। मैं विभिन्न अस्पतालों में जाती हूँ, विभिन्न डॉक्टर्स के साथ सेटिंग देती हूँ एवं मेरा खुद का क्लिनिक है, मेडिनी देश पांडे मेडिनी डाइट क्लिनिक के नाम से वो क्लिनिक है, जिसमें मैं पेशेंट्स को वजन कम करने के लिए, डायबिटिक के लिए और अलग अलग डिजीज के हिसाब से काम करती हूँ। बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन टोटल पैरेंटल में है, मतलब जिनको नाक में नली लगती है उनको क्या चीजें दी जा सकती हैं और उनको किस तरीके का भोजन उनकी जरूरत है उस हिसाब से बनाया जाता है। मैं अभी मिलेट्स पे काम कर रही हूँ, तो मिलेट्स का मैं खुद फ्लोर बनाती हूँ जिसमें इडली और डोसा, ढोकला और आटा, मतलब आप आटे से रोटी बना सकते हैं, इडली से इडली बना सकते हैं, पर वो इंस्टेंट है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, उसमें आप 30 मिनट पहले उसको भिगो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप इडली बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर इडली बना रहे हैं तो उसमें सब्जियों की मात्रा भरपूर रहेगी। एक हिस्सा अगर आपके मिलेट्स के आटे का है तो 3 हिस्सा उसमें सब्जियां रहेंगी, क्योंकि हमें फाइबर की जरूरत है। सबसे बड़ी बात उसमें जो रहेगा वो आप सांभर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है उसमें आलू ना डाले, क्योंकि आलू से बहुत सारे नुकसान है। इसके अलावा आप चटनी ले सकते हैं, फ्रेश चटनी कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।